अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट शेफ़। आज हम 10 मिनट में गुलाब जामुन बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी मावा लिया है, आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 बड़ी कटोरी चीनी ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी, 3 चम्मच मैदा और कुछ ड्राई फ्रूट्स पिसे हुए लिए हैं और 1 छोटा चम्मच पिसी हुई इलायची। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम मावा में मैदा ऐड कर देंगे। मैदा डालने के बाद धीरे धीरे करके हमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर छोड़ के सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। ये सब डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसका डो बनाएंगे। हमें इसको बहुत अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। इस डो को हमें 5 मिनट तक सेट होने के लिए रख देना है। इसके बाद अब हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 फुल ग्लास पानी इसमें डाला है और हाई फ्लेम पर रख के इसमें हम 1 कटोरी चीनी भी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसमें मैंने इलायची भी ऐड कर दी है और अब हम इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। अब यहाँ पर हम डो को गुलाब जामुन की शेप देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इसको राउंड तरीके से करके इसमें फिलिंग्स कर देंगे ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स पाउडर हमें उतना ही फिल करना है जितने भी ये गुलाब जामुन अच्छी शेप में आ जाएं। इसी तरह से यहाँ पर मैंने डो को गुलाब जामुन की शेप दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट पकने के बाद चाशनी थोड़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ हाई फ्लेम में हमने गुलाब जामुन के जितने शेप बना कर रखे थे उसको हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। हमें अब इसको लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक रख देना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन हो गए और अब हम इनको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में इसको 10 से 20 मिनट तक डूबे रहने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट में आप बता सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।